अरे दे 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 आ गया बस थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ कर दीजिए। अब से पहले जो आएगा उसका वीडियो पहले डाला जाएगा, वादा रहा मेरा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने अपना दो स्मार्टफोन्स के साथ यहाँ पे जबरदस्त कमबैक किया है, और मतलब मैंने एक्सपेक्ट जितना नहीं किया था उससे भी ज्यादा दे दिया, और प्राइस पॉइंट सब कुछ बताएंगे आज के वीडियो में आपको। बस वीडियो को पूरा देख लीजिए और बस देख लीजिए और क्या। तो समय की कदर करते हुए वीडियो को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपके कीमती वक्त को ज्यादा जाया नहीं करेंगे। चलिए ओके। सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी ना वो है लॉन्च इवेंट, मतलब के मेरा देखा हुआ सबसे बेहतरीन लॉन्च इवेंट मुझे ये लगा। पहला तो हिंदी में पूरा एकदम हर कोई इसको समझ सकता है, दूसरी चीज कोई फालतू बकवास नहीं, बिल्कुल एकदम सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात किया है उन्होंने, प्राइस पॉइंट बताया, स्पेक्स बताया, कब आएगा ये बताया, और बस दो स्मार्टफोन्स आधे घंटे के अंदर लॉन्च करके वो चले भी गए घर। तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, बिल्कुल अपने फैक्ट्री में किया है, और मतलब एकदम देसी देसी सा फील आ रहा था, और मतलब दिल को ऐसे सुकून सा मिल रहा था वो लॉन्च इवेंट देखते हुए। मतलब दूसरे ब्रांड्स के जब लॉन्च इवेंट हम देखते हैं तो मतलब खुद को ऐसे गरीब गरीब सा फील आता है, पर्सनली मेरा तो ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। तो दोस्तों आपको तो ऐसे पता चल ही गया होगा कि नाम में थोड़ा सा चेंजेस है, वहां पे पहले हमको लग रहा था इन वन और वन ए आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही दे दिया। तो बेसिकली दो फोन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, पहला वाला जो है वो है इन नोट वन, दूसरा वाला जो है वो है इन वन बी। कुछ मिलता जुलता नहीं है नाम, ये उत्तर है वो दक्षिण है। स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे पहले नोट वन की बात कर लेते हैं, तो डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी मतलब अलग सा एक डिजाइन है, मुझे पर्सनली मतलब अच्छा लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एक ऑनर का 9X से थोड़ा बहुत डिजाइन मिलता जुलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल को आप देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है उसका, स्क्वायर शेप में है, साथ में आप यहाँ पे इन ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका डिस्प्ले, तो यहाँ पे ना भैया मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था वो दे दिया। पहले तो मतलब बड़ा डिस्प्ले दिया 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया, वो भी सेंट्रल पंचोल के साथ, पूरा दिल खुश कर दिया मेरा। मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो आपको पहले भी बताया हूं कि HD प्लस मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो फुल HD प्लस दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इसके रैम वेरिएंट्स पे, तो यहाँ पे आपको दो रैम वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेगा, 464GB 4128GB, साथ में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन स्टोरेज टाइप जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, शायद से EMMC आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो कितना ज्यादा खेल कूद सकते हैं आप इस फोन से, तो यहाँ पे आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि हमने पहले Redmi Note 9 और कुछ ही दिनों पहले आया Narzo 20 में भी देखा था। तो परफॉर्मेंस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी जबरदस्त आपके फोन में एक्सपीरियंस कर लेंगे आप। इसके बाद आता है कैमरा, तो यहाँ पे आप कैमरा भी देख सकते हैं, एकदम स्क्वायर शेप है, थोड़ा सा स्क्वायर भी पूरा नहीं है, थोड़ा सा राउंड एज है। तो कैमरा आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, और लास्ट में दो दो करके मतलब मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो आता है 16 मेगापिक्सल का, तो वहां पे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सोचा था कि 8 मेगापिक्सल का देगा, लेकिन यहाँ पे तो कैमरा कुछ और ही दे दिया माइक्रोमैक्स ने, तो उसके लिए माइक्रोमैक्स को मेरा डबल थम्स अप। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा, साथ में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एकदम एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके साथ कोई भी ब्लोटवेयर्स आपके फोन में नहीं रहेगा, ऐसा माइक्रोमैक्स का खुद का कहना है। इसके साथ और एक चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा वो है कि माइक्रोमैक्स ने खुद प्रॉमिस किया है कि आपको 2 साल तक एकदम सिक्योरिटी अपडेट और जितने भी एंड्रॉइड 11 का जितने भी अपडेट आएंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ बैटरी की बात करें तो वो है 5000 mAh का एक एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा बैटरी है, टाइप सी का पोर्ट है, और 18W का फास्ट चार्जर भी मिलेगा। मतलब फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट तो कर रहा था, लेकिन हाँ वो भी दे दिया यहाँ पे, मतलब कोई शिकायत अभी नहीं है, प्राइस पॉइंट भी सही है। वैसे प्राइस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे जो 464GB वाला वेरिएंट है नोट 1 का, उसका प्राइस है 11,000 रुपए, और जो 4 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 12,500 रुपए। तो 12,500 का तो पता नहीं है, लेकिन 11,000 वाला तो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। अच्छा, इसके बाद आते हैं 1B पे, मतलब के नोट नहीं क्या बोलते हैं भाई उसको, इतना कंफ्यूजन है ना, मतलब माइक्रोमैक्स इन नोट 1, 4 नाम एक साथ, तो माइक्रोमैक्स इन 1B। हाँ, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन पहले तो आप डिजाइन इसका देख लीजिए, डेफिनेटली आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा क्योंकि ये तो बजट सेगमेंट के अंदर आएगा, लेकिन पॉलीकार्बोनेट रहते भी ना इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल नहीं, मैट फिनिश के साथ बैक पैनल देखने के लिए मिलता है। इसके साथ इन ब्रांडिंग को भी थोड़ा सा ऐसे घुमा के रखा है, तो वो भी काफी यूनिक स्टाइल देखने के लिए मिल रहा है।
इसके साथ इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का साइड पंचल कटआउट के साथ में एक HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अच्छी लगी डिस्प्ले में दोनों के दोनों फोन में वो है यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नहीं मिला, जो कि मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था कि वाटर ड्रॉप नहीं मिलेगा। रैम वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे दो रैम वेरिएंट्स के साथ 1B आया है। पहला वाला है 232 GB, दूसरा वाला है 464 GB। 3 बोलने वाला था। अच्छा, इसके साथ ट्रिपल कार्ड स्लॉट, AMMC का स्टोरेज टाइप और LPDDR4X का रैम टाइप आपको मिल जाएगा 1B में। और इसके हार्ट यानी कि प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो कि पहले ही कंफर्म हो चुका था G35 मिल रहा है, जो कि बजट सेगमेंट के अंदर मतलब 6-7 हज़ार के प्राइस बता दिया। यही प्रॉब्लम है मेरा, मतलब बताना कुछ और चाहता हूँ, बता कुछ और देता हूँ। तो मतलब 6-7 हज़ार के फोन में G35 बिल्कुल सही है, प्राइस पॉइंट भी सही है, कोई ओवर प्राइस नहीं है, कुछ नहीं है, और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसके साथ कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुद्दू बन गया, क्योंकि मैंने बताया था कि दो दो फोन अलग कैमरा कटआउट के साथ आएगा, तो वैसा नहीं हुआ, दोनों फोन सेम कटआउट के साथ आया है। और यहाँ पे आपको दोनों फोन में डुअल कैमरा देखने के लिए मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का। इसके साथ फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे मेरा तुक्का लगा है 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। वैसे सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस गलत हुए हैं, माइक्रोमैक्स ने ऐसा जबरदस्त कमबैक किया है। इसके साथ यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 10 और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम ब्लोटवेयर फ्री एकदम फोन होगा, और यहाँ पर भी आपको 2 साल तक मतलब कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहेगा माइक्रोमैक्स की तरफ से। इसके बाद सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वापस से बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और सारे सेंसर्स फेस अनलॉक 3.5 mm सब कुछ मिलेगा। बैटरी बैकअप यहाँ पे भी आपको 5000 mAh का मिलता है। टाइप सी का पोर्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है बजट सेगमेंट के फोन में। ज्यादातर ब्रांड्स मतलब कोई भी ब्रांड्स आपको टाइप सी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, उस हिसाब से माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे धमाकेदार काम किया है। लेकिन अब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें नहीं है, 10 वॉट का चार्जर है, जो कि ठीक ठाक है। अच्छा, अभी बात करते हैं प्राइस पॉइंट की, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन और एक बार ऑफिशियली बता देता हूँ। तो 232 GB वाला जो वेरिएंट है इसका, उसका प्राइस रखा गया है 7000 रुपए, और जो 464 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 8000 रुपए। लेकिन तो स्टोरेज अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप 8000 वाला ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा एक रहेगा आपके लिए। तो यही पूरा स्पेसिफिकेशन का पिटारा है दोनों के दोनों फोन का। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि दोनों फोन सेल कब स्टार्ट होगा। तो भैया यहाँ पे जो नोट 1 वाला है उसका सेल स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर से, जो कि बहुत दूर है, और जो छोटा भाई है 1B ये तो और दूर है 26 नवंबर को। तो अगर फोन को हाथ में लेना है तो थोड़ा सा वेट तो आपको करना पड़ेगा। और बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। वैसे वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, मैंने वापस से आपको सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी। वैसे अगर वीडियो आपको पसंद है तो जल्दी से कर दीजिए एक लाइक, छोटा सा एक कमेंट करके, मतलब छोटा बड़ा आपकी मर्जी, मिनिमम एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर बहुत ज्यादा पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल मार दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियोज आपको मैं हर रोज प्रोवाइड करवा सकूं। और बस आज के लिए चलते हैं।